नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एक और नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम फोटो शूट करेंगे निकॉन की डी 7500 विथ 85mm लेंस के साथ है। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, देखें हम लोग यहाँ पे कैसे कैसे शूट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है नया ब्रिज है और दोस्तों यहाँ पे पास में रेलवे ट्रैक भी है, तो हम यहाँ पे दोस्तों पहले ब्रिज पे शूट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग रेलवे ट्रैक पे जाएंगे। तो आप दोस्तों देखना हम कैमरे में कैसी कैसी सेटिंग्स करते हैं, लेंस में क्या सेटिंग्स करते हैं, बैकग्राउंड ब्लर आता है, लाइट ज़्यादा आती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप दोस्तों वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों अगर आप चैनल पे हमारे नए हों और ऐसे ही नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारे भाई का फ़ोटो शूट। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको इस कैमरे की सेटिंग्स बता देते हैं। दोस्तों हमने इस कैमरे में ISO है जो वो हमने 160 करके रखा है, अपर्चर है F2 करके रखा है और इसका जो शटर स्पीड है वो हमने दोस्तों 800 करके रखा है। अब दोस्तों इस सेटिंग्स पे हम फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं, ना ही दोस्तों ज़्यादा धूप निकली है, ना ही एकदम जो बैकग्राउंड है एकदम धूप कम भी नहीं है। तो अब दोस्तों हम इनका फ़ोटो क्लिक करते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों ये हमने पहली फ़ोटो क्लिक की। दोस्तों हमने ये जो फ़ोटो क्लिक की है इसमें दोस्तों लाइट एकदम परफेक्ट आई है। अब दोस्तों एक फ़ोटो और क्लिक करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही शार्प फ़ोटो आई है इस सेटिंग्स में। आप यह सेटिंग्स रख सकते हैं, अगर आपके जो बैकग्राउंड है उसमें अगर धूप नहीं है तो आप यह सेटिंग्स रख सकते हैं और फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम पोज चेंज करते हैं और दोस्तों थोड़ा सा लोकेशन भी हम चेंज करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसी फ़ोटो आती है। तो दोस्तों भाई को हमने एक और पोज करा दिया है, सेम सेटिंग्स है, इसमें हमने दोस्तों शटर स्पीड बस 1000 करके रखी है। अब दोस्तों फ़ोटो क्लिक करते हैं कैसी फ़ोटो आती है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है थोड़ी सी सेक हो गई, जिसकी वजह से यह फ़ोटो ब्लर हो गई है। एक बार और दोस्तों इसे सही से लेते हैं। तो दोस्तों ये जो फ़ोटो हमारी एकदम परफेक्ट फ़ोटो आई है, इसमें दोस्तों लाइट भी सही है और दोस्तों बैकग्राउंड भी अच्छा खासा ब्लर हुआ है। तो दोस्तों अब हमने लोकेशन बदल ली है और भाई को हमने ब्रिज के ऊपर बैठा दिया है। अब हम इनका फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कैसी फ़ोटो आती है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है शूट करने में, लेकिन अब हम फिर से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सेटिंग्स में कुछ इस तरह की फ़ोटो आई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी सेटिंग्स और चेंज करते हैं, थोड़ी सी जो लाइट है इसमें कम आई है तो हम यहाँ से शटर स्पीड थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 1000 से हमने इसे 600 कर लिया। अब फिर से दोस्तों फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है इसमें लाइट एकदम परफेक्ट आई है इस सेटिंग्स में। तो दोस्तों अब एक और पोज चेंज करवा रहे हैं और फिर से इनका फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोगों को फ़ोटो शूट करने में बड़ी प्रॉब्लम जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस फ़ोटो में लाइट थोड़ी सी कम आई है। अब हम थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं, जो हमारा शटर स्पीड है हमने इसे 800 कर लिया। अब फिर से फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो फ़ोटो है इसमें लाइट एकदम सही आई है, ना दोस्तों इसमें लाइट ज़्यादा है ना इसमें कम। और दोस्तों आपको हर एक फ़ोटो को एडिटिंग करके हम बताएंगे लास्ट में, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आपको हर एक फ़ोटो का एडिट करके मिलेगा, तो आप एडिटिंग की फ़ोटो भी देखना कि कैसी आती है एडिटिंग में। तो दोस्तों अब हम एक फ़ोटो और क्लिक करते हैं यहाँ पे। और दोस्तों हमने कैमरे में जो सेटिंग्स करके रखी है वो दोस्तों ISO हमने 160 करके रखा है, अपर्चर F2 और शटर स्पीड हमने 800 करके ही रखी है। अब दोस्तों हम इनका फ़ोटो क्लिक करते हैं कैसी फ़ोटो आती है। तो दोस्तों इस सेटिंग में थोड़ी सी लाइट कम है,
लेकिन हम थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं, जिसके बाद देखते हैं फ़ोटो कैसी आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने शटर स्पीड 640 कर लिया। अब दोस्तों हमने ये फ़ोटो क्लिक की तो इसमें दोस्तों एकदम परफेक्टली लाइट आई है। आप दोस्तों यह सेटिंग्स रख सकते हैं, अगर धूप नहीं है बदल हैं तो इस लोकेशन में, इस मौसम में आप ऐसी सेटिंग्स रख सकते हैं। तो दोस्तों अब इनका हम एक पोर्ट्रेट, मतलब जो इतना फ़ोटो है वो क्लिक करते हैं, देखते हैं वो कैसा आता है। दोस्तों हमने इसका जो अपर्चर है वो फुल ओपन कर दिया है, f1.8। दोस्तों 1.8 में कुछ इस तरह की फ़ोटो आई। इसमें थोड़ी सी लाइट ज़्यादा है, बस हम इसका थोड़ा शटर स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो फ़ोटो है एकदम परफेक्ट आ चुकी है इस सेटिंग्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों को शूट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। और दोस्तों आज की हमारी टीम को हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो हमारी टीम है, दोस्त लोग और हमारे साथ हैं, आ जाइए आप लोग भी भाई। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो हम लोगों को सपोर्ट किया है दोस्तों, इन दोनों जन और एक भाई जो अभी कैमरा चला रहे हैं, उनने भी दोस्तों बहुत साथ दिया हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अपने लोकेशन से जहाँ पे हमारा स्टूडियो उससे बहुत दूर आए थे, तो इन लोगों ने मोबाइल भी चलाया और दोस्तों और भी बहुत सारा इन लोगों ने साथ दिया।